Welcome to this channel. Myself, Dr. T. N. Debnath, a doctor of modern medicine, motivational speaker and life coach. ये वीडियो किसी का लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकता है. वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें. अगर इस चैनल में आप नया हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हेल्थ, एजुकेशन, मोटिवेशन एंड करियर रिलेटेड वीडियोस हम लाते रहते हैं इस चैनल में. चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए कि आप अपडेट रहिए. कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो आपके पास तुरंत इसका नोटिफिकेशन चले जाए. ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम हमेशा जो पिछला वाला वीडियोस होता है उसमें जो जो कमेंट आता है उस कमेंट का आंसर देने के लिए हम दूसरा वीडियो बनाते हैं. ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछला वीडियो का जो कमेंट था वो बहुत इमोशनल कमेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट था, जिसके ऊपर वीडियो बनाना हमको लगा बहुत जरूरी है. क्योंकि किसी का लाइफ का सवाल जब आ जाता है तो जिंदगी में और कुछ नहीं रहता है सिवा उसी के बिना. तो इसीलिए ये वीडियो हम बनाए हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में जो एक कमेंट आए थे फ्रॉम मिस अंजना कुमारी, इसका जो कमेंट था वो बहुत ही इमोशनल था, बहुत ही हार्ट टचिंग कमेंट था. और हमको लगा कि ये वीडियो का आंसर हम जरूर दें, क्योंकि इस तरह का जो प्रॉब्लम जो अंजना कुमारी फेस किए हैं बहुत लोगों ने फेस करते हैं, और हम भी उसी चैनल से हम गुजरे हैं, तो हमको पता है कितना दर्द होता है. तो उसी के लिए हम ये वीडियो स्पेशली बना रहे हैं. मिस अंजना कुमारी, आई थैंक्स फॉर योर डेडिकेशन, फॉर योर हार्डवर्क. आप इतना मेहनत की है, आपके पास पैसा नहीं थे, आप कोचिंग ले नहीं पाए, दो साल आपने आप घर में सेल्फ स्टडी किए हैं, ये कम बड़ी बात नहीं है. और साथ आपका जो लाख होता है वो आपका साथ कभी कभी नहीं देता है, जो आपका लास्ट वक्त में हुआ एग्जाम का टाइम में. क्योंकि ये कोरोना जो आ गया है, एक नया सिचुएशन सबके सामने एक कंपटीशन डाल दिए है, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी डाल दिए है, जिसमें बहुत लोग सक्सेस हो पाए, बहुत लोग नहीं हो पाए. यूजिंग मास्क ड्यूरिंग द एग्जाम, ये बहुत ही एक अलग सा महसूस हो गया है सबके लिए. कोई इसमें अडेप्टेड हो गया, कोई किसी को अडेप्टेड होने में दिक्कत हुआ. जो अंजना कुमारी के साथ हुआ, जो मास्क वो यूज़ किए थे, बहुत टेंस थे क्योंकि वो रिपीट भी किए होंगे और इसके पास और टाइम भी नहीं थे दोबारा प्रिपेयर करने का. तो इसके लिए इस बार वो अपना पूरा हार्डवर्क लगाए हैं, बहुत टेंशन में थे. और एग्जाम में जब गए, जो मास्क वो यूज़ किए उसी के चलते और टेंशन के चलते उसका जो लास्ट मोमेंट में जो हुआ है वो अनकॉन्शियस हो गई है, कुछ टाइम बर्बाद हुई है. इसके बावजूद वो आके एग्जाम दिए हैं, लेकिन बहुत डर है कि एग्जाम में इसका कितना मार्क्स आएगा, क्या मेडिकल में इसको एडमिशन मिलेगा. क्योंकि ये लिखे हैं कि मेरा जो ड्रीम है उसको पूरा करना है, और जो गरीब पेशेंट्स होता है वो डॉक्टर बनके गरीब जो लोग होते हैं उसको हेल्प करने का उम्मीद रखते हैं. और ये इसका लाइफ का सवाल है. इसका और भी ये डर है क्योंकि जो सोसाइटी होता है वो हमेशा ही मार्क्स के बेसिस से डिसाइड करते हैं किसका कितना टैलेंट है, किसके पास कितना दम है. और इसको जो है ड्रॉप देने का और कोई मौका इसके पास नहीं लग रही है. और इसका जो लास्ट जो लाइन था, मेरा लाइफ बचा लो सर, जो ये जो कमेंट है ये बहुत ही पेनफुल कमेंट है. और इसमें वीडियो बनाना मेरा जिम्मेदारी था, इसमें इसलिए हम बना रहे हैं क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है बहुत लोगों के साथ है. नॉट ओनली अंजना कुमारी, तुम्हारे जैसा बहुत लोग ऐसा है जो बहुत मेहनत करते हैं. हम तुम्हारा मेहनत का जो हार्डवर्क का हम समझ सकते हैं कितना दर्द होता है इसका. जब पैसा का कमी होता है, जो लोअर क्लास होता है, लोअर मिडिल क्लास फैमिली होता है, वहाँ पे ऐसा बड़ा सपना देखना और इसको साकार करना कितना मुश्किल है हम जानते हैं. हम तुम्हारा ये दर्द महसूस कर सकते हैं. देखो अंजना कुमारी, तुम जो मेहनत किए हो, मेहनत का रिजल्ट हमेशा मिलता है. कोई कोई ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि कुछ एग्जाम में हमको अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पाते हैं. ये कॉमन है, बहुत लोगों के साथ होता है. बहुत लोग होता है कि हाँ, उनके साथ लक साथ दे देते हैं तो उनको मिल जाता है. ऐसा मेरा बहुत लोगों के साथ हुआ है. जो मेरा दोस्त था जिसको MBBS मिलने का उम्मीद नहीं था, उसको भी MBBS मिल गया. MBBS के बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन है उसमें भी उसको मिलने का उम्मीद नहीं था, फिर भी उसको मिल गया है. लेकिन ऐसा हम लोगों को बहुत लोग था जो टैलेंटेड था लेकिन कर नहीं पाया. तो ये होता है, सबके साथ होता है. इसके लिए रेडी रहना जरूरी है, क्योंकि लक हमेशा आपको साथ नहीं दे सकता है, लेकिन आपको अपने साथ नहीं छोड़ना है. क्योंकि ये जो कमेंट है बहुत दुख भरी कमेंट है, क्योंकि ये लाइफ का सवाल है. अगर इसमें कुछ खराब हो जाता है या एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं होता है तो लोग कुछ अलग ही डिसीजन ले लेते हैं, लाइफ को बर्बाद करने का डिसीजन ले लेते हैं, सुसाइड करने का डिसीजन ले लेते हैं. क्योंकि क्या होता है, जो लोग एग्जाम देते हैं, स्पेशली इस टाइप का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं और
और ज्यादा हो जाता है जो लोग रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि इसके वो ऑलरेडी एक साल बर्बाद कर चुके हैं और एक साल वो देने जा रहे हैं, उसमें भी अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या होगा। एक तो सोसाइटी का एक प्रेशर रहता है हमेशा ही, क्योंकि सोसाइटी हमेशा ही तुमको देखते रहता है, तुम्हारे ऊपर कमेंट करते रहते हैं। और दूसरा जो बड़ी बात है, वो जो फैमिली है, वो फैमिली कितना सपोर्टिव है, इसका कितना एक्सपेक्टेशन है, और एक्सपेक्टेशन ना आए ना मिल पाए तो कैसा सिंपैथी तुम्हारे साथ होता है, वो बहुत ही मायने रखते हैं एक बच्चे का अगला का फ्यूचर डिसाइड करने में। क्योंकि जैसे आपका सोसाइटी आपके साथ छोड़ देगा जब आपका रिजल्ट खराब होगा, आपका फैमिली भी कभी कभी अपना साथ छोड़ देते हैं और इसके लिए बच्चा को ही जिम्मेदार ठहराते हैं, जिसके चलते बच्चे के पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता है। क्योंकि जो लोग एंट्रेंस दे रहे हैं इसके पास एक ऑप्शन, ऑप्शन भी तो हमेशा होता है, एक उम्मीद होता है, होप होता है कि हमको एक्सपेक्टेड रिजल्ट मिलेगा तो हमको मेडिकल कॉलेज मिलेगा, हम मेडिकल में आगे जाएंगे, वहाँ पे हम अपना जो जलवा है, जो टैलेंट है, वो हम दिखाएंगे और लोगों को हेल्प करने का उम्मीद रखते हैं। तो उस टाइप का प्लान तो इसका दिमाग में हमेशा रहता ही है। जो लोग एंट्रेंस दे रहे हैं सबका दिमाग में इस टाइप का प्लान हमेशा ही होता है, इसको प्लान ए किया जाता है। लेकिन जो प्लान बी है, अगर एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आया तो इसका जो फर्दर स्टेप क्या होगा, इसका कोई प्लान नहीं होता है। मैक्सिमम लोगों के पास कोई प्लान नहीं होता है, किसी किसी के पास होता है कि नहीं आएगा तो हम दोबारा ट्राई करेंगे, लेकिन ये परसेंटेज बहुत कम होता है, प्लान बी करने वाला लोग बहुत कम होता है। तो ये वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं प्लान ए बहुत अच्छा है, आपका एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, आपका होप होना चाहिए, लेकिन प्लान बी भी आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ अपना हाथ में नहीं होता है, कुछ लक, कुछ फेवर्स, सब का चीज का कंट्रीब्यूशन रहता है, सब अपना हाथ में नहीं रहता है। तो हमेशा ही प्लान ए के साथ प्लान बी, प्लान सी आपको रखना होगा। प्लान बी में अगर आप फेल हो गए तो आप क्या करेंगे, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप एंट्रेंस के लिए दोबारा रिपीट करेंगे या बीडीएस में जाएंगे या फिर और दूसरा कोई कोर्स में जाएंगे, इसका प्लान आपको जरूर होना चाहिए। इसके बावजूद भी अगर नहीं हो रहे तो प्लान सी भी आपको होना चाहिए कि आप क्या क्या करेंगे। इसमें अंजना कुमारी को हम ये बताना चाहते हैं, देखो दो चीज इम्पॉर्टेंट है, एक है लाइफ, एक है एग्जाम। एग्जाम इज ए पार्ट ऑफ योर लाइफ, एग्जाम इज ए पार्ट ऑफ योर लाइफ, पार्ट ऑफ योर लाइफ। रिमेंबर, एग्जाम और लाइफ दोनों सेम नहीं है। अगर तुम लाइफ में सेटल हो तो एग्जाम आएगा, एग्जाम जाएगा। अगर एग्जाम फेल हो गया और तुम समझ ले कि तुम्हारा लाइफ बर्बाद हो गया और तुम कुछ स्टेप ले लिए है तो जिंदगी में तुम फेल हो गए हो। एग्जाम में फेल होना कोई बड़ा बात नहीं है, लाइफ में फेल होना ही सबसे बड़ा बात है। और एग्जाम में फेल होना ही लाइफ में फेल होना नहीं है, ऐसा बहुत लोग हम देखे हैं। अगर तुमको इस बार नहीं हो रहा है और मेडिकल में तुम्हारा नहीं हो रहा है तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि तुम्हारा लाइफ बर्बाद हो गई है, शायद तुम मेडिकल के लिए हो ही नहीं, तुम्हारा लाइफ कुछ और जगह में सेटल है, ढूंढने का प्रयास करो। या फिर अगर मेडिकल में है तो दोबारा तिबारा भी रिपीट कर सकते हो, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं। अगर तुमको हार्ड डेडिकेशन है तो तुमको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई बात नहीं है। एक जगह में तुम फेल हो गए इसका मतलब नहीं है पूरा जिंदगी में तुम फेल हो, ऐसा बहुत लोगों का एग्जांपल है। तुम नेट में सर्च करके देखो, सचिन तेंदुलकर 8th पास भी है, कोई अच्छा डिग्री नहीं है फिर भी कितना रिनाउंड है, उसको अगर आप स्टूडेंट बना जाता है, अच्छा एजुकेशन के लिए बोला जाता है तो शायद इतना शाइन और करियर बना नहीं पाते। तो सबका लाइफ करियर अलग अलग होता है, तुमको भी अपना लाइफ करियर देखना है। एक जगह में फेल हुआ तो लाइफ को बर्बाद करने का सोचना नहीं है, और बिल्कुल अपना लाइफ अलग है, आपका एग्जाम अलग है। लाइफ को सही रखो, एग्जाम आते रहेगा, एग्जाम जाते रहेगा। एक एग्जाम नहीं होगा तो दूसरा एग्जाम होगा, दूसरा एग्जाम नहीं होगा तो तीसरा एग्जाम में होगा। अपना हिम्मत नहीं हारना है, तुम मेहनत किए हो, मेहनत का रिजल्ट तुमको मिलेगा, ये मेरा उम्मीद है और भगवान से ये मेरा प्रे है कि तुम्हारा हार्डवर्क तुमको रिजल्ट जरूर मिले और तुम कोई भी मेडिकल कॉलेज इन झारखंड में तुमको एडमिशन हो और तुम आगे का सोचो। अगर एडमिशन बाय चांस नहीं होता है तो जरूर तुम प्लान बी का अभी बना के रखो कि प्लान बी में तुम क्या करोगे, कैसे तुम आगे जाओगे। इसमें और ज़्यादा अगर हेल्प चाहिए तो तुम करियर काउंसिलर जो होते हैं उन लोगों के साथ बात कर सकते हो, या फिर तुम्हारा गार्जियन का जो नंबर है मेरा कमेंट में डाल सकते हो, हम तुम्हारा फैमिली के साथ हम बात करके इसके बारे में तुम्हारा जो लाइफ, ये तुम्हारा जो ये जो लाइफ बचा लो सर। ये जो कमेंट है बहुत ही पेनफुल कमेंट है, बहुत ही इमोशनल कमेंट है, तो आपका फैमिली का सपोर्ट इसमें जरूर होना चाहिए। अगर फैमिली और सोसाइटी का सपोर्ट तो छोड़ दो, सोसाइटी तुमको सपोर्ट यूजली नहीं करेगा, इसके लिए सोचना
करना भी नहीं है, सोसाइटी तुमको कुछ आता जाता नहीं है, सोसाइटी सिर्फ तुम्हारे ऊपर बर्डन डालते हैं, कुछ नहीं होता है। सोसाइटी को छोड़ दो, सोसाइटी के बारे में सोचना छोड़ दो, अपना फैमिली इंपॉर्टेंट है। देखो अपना फैमिली को अपना कॉन्फिडेंस में लेना है, और जो फैमिली मेंबर्स हैं उसको भी, जो बच्चा एंट्रेंस दिए है उसका जी जान लगा के पढ़ के एग्जाम दिए है, एग्जाम में पास होना फेल होना इसका हाथ में नहीं है। पास फेल होने में बहुत सारा फैक्टर होता है, अगर वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं तो ये फैमिली का जिम्मेदारी होता है कि अपना बच्चा को संभाले, अपना बच्चा को आगे का रास्ता दिखाए और इसको सपोर्ट करे। लेकिन ऐसा हम लोग बहुत देखे, बहुत सारा फैमिली होता है जो ओवरबर्डन देते रहते हैं बच्चा लोगों को, और ये बच्चा लोग अपना जितना है वो करियर तो पूरा लाइफ बर्बाद करने के लिए सोच लेते हैं, सुसाइड करने का सोच लते हैं। और जैसे एग्जाम का रिजल्ट होता है, हम लोग देखें बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट होता है जो हॉस्पिटल में आके एडमिशन होता है, सुसाइड करने का सोच लेते हैं और इसका अटेम्प्ट भी कर लेते हैं। तो ये जिम्मेदारी हम सब लोगों का है, और स्पेशली जो फैमिली मेम्बर्स हैं इसका बिल्कुल जिम्मेदारी है कि अपना बच्चा को सिर्फ एग्जाम के लिए प्रेशर बर्डन मत करें, इसका जो लाइफ है उसको आगे लाइफ को दिखाने का कोशिश कीजिए, और जितना हो सके उसको सपोर्ट अपनाइए, दिखाइए, तो हम लोगों का देश में जो सुसाइड का केस है वो थोड़ा सा कम हो सकता है। क्योंकि सुसाइड करने का जो एजेस है, ये एज बहुत वल्नरेबल एज होता है, क्योंकि ये लोग का समझ और कॉन्शियस माइंड इतना अच्छा नहीं होता है। जो मन में आता है वो करने का सोच लेते हैं, क्योंकि ये सोच लेते हैं एग्जाम में फेल हुआ तो जिंदगी में फेल होगा, क्योंकि दोस्त के साथ क्या बोलेंगे, फैमिली में क्या बोलेंगे, और सोसाइटी में मेरा क्या रिपोर्टेशन होगा, इसके लेके इतना ओवरबर्डन होते हैं, ओवर जनरलाइज हो जाते हैं कि वो एक बहुत बड़ा स्टेप लेने का सोच लेते हैं। ये वीडियो मिस अंजना कुमारी के लिए स्पेशली हम बनाए हैं, नॉट ओनली अंजना कुमारी, ऐसा बहुत लोग होंगे जिसके पास प्लान ए तो बिल्कुल है लेकिन प्लान बी बिल्कुल नहीं है, प्लान सी बिल्कुल नहीं है। तो इस वीडियो के बाद जो लोग एंट्रेंस दिए हो, ये प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी बनाने का जरूर सोचना और बना के रखना, और उसी के हिसाब से करना। जो भी अगर कोई हेल्प चाहिए तो YouTube है, YouTube में कमेंट में आप अपना फैमिली का कोई भी नंबर डाल सकते हो, और जहाँ पे अगर जरूरत होगा तो पर्सनल काउंसलिंग देने के लिए भी हम रेडी है, विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री ऑफ सर्विस हम करने के लिए कोशिश बिल्कुल करेंगे। जितना भी एंट्रेंस रिलेटेड क्वेश्चन है या फिर जितना भी ऐसा करियर रिलेटेड गाइडेंस है अगर किसी को चाहिए, तो मेरे पास जितना नॉलेज है उसी के हिसाब से हम आपको देने का कोशिश करेंगे। और जो मेंटली जो प्रॉब्लम होता है, जैसे बहुत टेंशन होना, इरिटेबल होना, इसके बारे में भी अगर आपको काउंसलिंग चाहिए तो आपका फैमिली नंबर यहाँ पे डालिए और रिक्वेस्ट कीजिए फोन करने के लिए, मेरे टाइम के हिसाब से हम आपको फोन करेंगे, पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग देंगे। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है, जो रिजल्ट आने वाला है, अभी बहुत टेंशन बच्चे लोगों का दिमाग में चलता रहता है कि मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा, इसको लेकर बहुत ही टेंशन होता है। और फैमिली अगर ऐसा होता है तो फैमिली के साथ भी शेयर नहीं कर पाते, तो अपने आप वो लो सेल्फ एस्टीम में चले जाते हैं, तो उसको लगता है कि दुनिया में रह के कोई फायदा नहीं है, ना कोई इसको वोटलेस है, हेल्पलेस है, होपलेस है, तो दुनिया छोड़ने का ही जिम्मेदारी ले लेते हैं और बड़ा बहुत बड़ा स्टेप ले लेते हैं। तो इस वीडियो के बाद हम कोशिश करेंगे सब बच्चे लोगों को कि तुम प्लान बनाओ, अच्छा से प्लान बनाओ, प्लान ए बी सी अपने हाथ में रखो, लाइफ जीना सीखो, क्योंकि ये 18, 19, 20 ईयर्स का बच्चे हो तुम लोग, तुम्हारे पास पूरा जिंदगी पड़े हुए हैं, और जिंदगी में हमेशा ही प्रॉब्लम आएगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप अपने आप को तैयारी करो कि लाइफ में जितना भी प्रॉब्लम हो, जैसा भी प्रॉब्लम हो, इसको सॉल्व करना हम लोगों का दायित्व है। कि कोई भी प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम के लिए हमको भागना नहीं है, उसको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, क्योंकि तुम्हारा लाइफ अभी शुरुआत है, पूरा जिंदगी ही तुम्हारा प्रॉब्लम होगा। लाइफ कभी भी स्मूथ नहीं होता है, हमेशा अप डाउन होता है, प्रॉब्लम हमेशा ही रहेगा। अगर अभी से तुम प्रॉब्लम से भागना शुरू कर दो तो पूरा जिंदगी भर तुमको प्रॉब्लम से भागना पड़ेगा और तुम लाइफ जी नहीं पाओगे। अगर लाइफ को जीना है तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखो, ये आर्ट होता है कैसे तुम्हारा प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। क्योंकि हम लोग हमेशा प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, जैसे हम लोग प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं तो प्रॉब्लम और बुरा हो जाता है, लेकिन अगर हम लोग इसका सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे तो देखना तुम्हारा प्रॉब्लम बहुत छोटा हो जाता है। और तुम्हारा आसपास में देखो कितना लोगों का कितना प्रॉब्लम है, तुम्हारा प्रॉब्लम बहुत बड़ा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो ये बहुत इजीली तुम कंट्रोल कर सकते हो, तुम्हारा हाथ में है, तुम आराम से तुम्हारा लाइफ का डिसीजन ले सकते हो, इसमें किसी का भी कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा, कोई फैमिली का ओवरबर्डन तुमको नहीं कर पाएगा अगर तुम अंदर से स्ट्रांग हो। तो हमेशा ही ये रखना कि जिंदगी में तुम अकेले हो और कोई भी प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए हेल्प तुमको बहुत सारा जगह में मिलेगा, लेकिन
प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला एटीट्यूड तुम्हारे अंदर होना चाहिए। जब तुम्हारे अंदर ये एटीट्यूड होगा तो हेल्पिंग हैंड्स तुमको बहुत मिलेगा। सोसाइटी में अभी भी ऐसा बहुत लोग हैं जो तुमको हेल्प करना चाहते हैं, तो इसमें तुमको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तुम सिर्फ अपने आप को पॉजिटिव रखो, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। कल जो हुआ वो भी अच्छे के लिए, आज जो हो रहा है वो भी अच्छे के लिए, कल जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। क्योंकि देखो, मेरा एक हिस्सा हम कहानी तुमको शेयर करना चाहते हैं कि हम खुद एंट्रेंस रिपीट करके आए हैं। जब हम MBBS करने के लिए हुआ था तो इससे पहले हम केमिस्ट्री ऑनर्स लेके एडमिशन ले लिए थे, वहाँ पे पढ़ाई करना शुरू कर दिए थे। 3 महीना पढ़ाई करने के बाद हम छोड़ दिए थे। छोड़ने के बाद फिर हम एंट्रेंस प्रिपेयर किए हैं, तो उस टाइम में हम लोग का स्टेट का अलग अलग एंट्रेंस होता था, उस एंट्रेंस में मेरा रैंक आया, MBBS हो गया। तो लाइफ जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, इसको मान्य वो करो, स्वीकार करो, और जो जो चेंजेस तुम कर सकते हो अपने आप से वो चेंजेस करना सीखो। लाइफ को एंड मत करो, लाइफ इज वेरी प्रीशियस। तुमको जिंदगी एक ही बार मिले है, उसको जीना सीखो। जितना भी प्रॉब्लम है सबका सॉल्यूशन है, जीना सीखो। जीना सीखना एक आर्ट है, एक कला है, ये तुमको सीखना ही है। और इस वीडियो में और भी बहुत सारे कॉमेंट किए थे। अनिशा, अंशिका कुमारी, विकास कुनार, गुलजर कनिज, अनुपम, सोनू राय, शुभ्रजीत नाथ, पीयूष, शुभम कुमारी, अतीश चंद्र घोष, नितिन पासवान, गार्गी पटनायक, रंजन कुमार, अमर पांडे, रोनित शेखर, अनिशा कुमारी, ये जितना भी लोग कमेंट किए हैं, इसके लिए हम वीडियो जल्दी बनाएंगे। क्योंकि ये वीडियो जो कमेंट किए थे मिस अंजना कुमारी, ये वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत जरूरी था, और इसीलिए हम ये वीडियो पहले बना रहे हैं। क्योंकि अंजना कुमारी, तुमको इतना सोचने का कुछ बात नहीं है, ये लाइफ है, लाइफ को आराम से जीना सीखो। मेहनत की हो तो तुमको रिजल्ट जरूर मिलेगा, और ये मेरा प्रे हमेशा रहेगा तुम्हारे साथ भगवान के लिए कि तुम्हारा जो UG इसमें हो जाए, MBBS में एडमिशन मिल जाए, चाहे झारखंड का कोई भी कॉलेज हो इसमें तुमको मिल जाए, और तुम्हारा लाइफ आगे अच्छा रहे, सही रहे। थैंक यू।